हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने मंगवाए हैं, अपने पैसों से मंगवाए हैं। इसमें से एक भी पीआर पैकेज नहीं है, ये सब मैं खुद से मंगवाए हैं। मुझे यूज़ करके देखने थे, ट्राई आउट करके देखने थे, एंड कुछ इसमें से जो है मैंने रीस्टॉक करे हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मेरे चैनल पर इन फ्यूचर जल्दी ही देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, 5 पार्सल हैं, ये दोनों फ्लिपकार्ट के हैं, ये 2 पर्पल के हैं और ये अमेजोन के हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस फ्लिपकार्ट वाले से। जो मैंने परचेज किया है यह है मार्स का लूज पाउडर एंड सॉफ्ट लाइट शेड है। ये कैसा है कैसा नहीं है पूरी डिटेल्स आपको इन फ्यूचर जल्द ही मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। MRP वगैरह मैं आपको बताते चलूँ साथ के साथ। MRP है इसकी 249 रुपीज़ और जो इसकी क्वान्टिटी है वो है 8 ग्राम्स की। तो कैसा रहता है ये आपको बिल्कुल से इसका ट्यूटोरियल देखने के लिए भी मिलेगा और साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी जानने को मिलेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल। एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, अगेन मार्स कॉस्मेटिक्स की तरफ से ही हैं ये भी, यही मैंने परचेज किए थे। ये 3 का मैट बॉक्स है जो इनकी 3 इन्होंने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च करी थी। प्लम शेड वाला मैंने बुक किया था एंड ये है ड्यूई फिनिश का लॉन्ग लास्टिंग बच प्रूफ मेकअप फिक्सर। दोनों ही मेरा यूज़ करने का बहुत ही ज़्यादा चाहत थी कि भाई कैसे निकलते हैं। इसकी MRP मैं दिखाऊँ तो ये 299 इसकी MRP है एंड अगर इसकी MRP देख लें तो 3.2 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वान्टिटी रिसीव हो जाती है एंड MRP है इसकी 149 रुपीज़। ये सब कुछ मैंने इस MRP पे नहीं खरीदा है, कुछ डिस्काउंटेड रेट था तो ये सब भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, अमेजोन पर भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं पर्पल। पर्पल से मैंने क्या चीज़ मंगाई है। पर्पल से जो मैंने मंगाया है वो मैंने बेसिकली रीस्टॉक करने के लिए मंगाया है क्योंकि मेरा पुराना वाला प्रोडक्ट जो है वो फिनिश हो गया था एंड मुझे चाहिए था, तो यस उसके लिए मैंने मंगाया। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकेजिंग तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी है, आप देखो आपके सामने ही मैंने निकाली है। उन्होंने पैकेजिंग को चेंज भी कर दिया आई थिंक, पहले तो इस तरीके से नहीं आती थी। एंड यस दीज आर द प्रोडक्ट्स, ये 2 जो है प्रोडक्ट मुझे रीस्टॉक करने थे। मेरी स्ट्रोक की क्रीम जो है अबाउट टू फिनिश हो गई थी। जिन्होंने मेरे रिसेंट के मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे उन्हें ज़रूर से ये बात पता होगी कि ये जो है मेरे अबाउट टू फिनिश होने वाली है। तो ऑब्वियसली मुझे ये यूज़ करना पसंद है, अच्छा है ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसे रीस्टॉक किया है। एंड साथ में मुझे ये मिला है जो एसेंशियल ऑयल है, ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है क्योंकि जो इनका एलाइट मेंबरशिप मैंने ले रखी है और उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था, तो उसके लिए मुझे ये फ्री गिफ्ट मिला है पर्पल की तरफ से। अब अनबॉक्स कर लेते हैं नेक्स्ट डब्बे को। अगला ये फिर पर्पल से ही है, इसको भी देख लें। ये हैं 2 प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए हैं, वो जो स्ट्रोक क्रीम है 3rd वाला ये रहा एंड ये बाय 2 गेट 2 वाला ऑफर था जिसमें मैंने इसको परचेज किया था। एंड ये है NYBae की लिक्विड हाइलाइटर शिमर ड्रॉप्स, तो
तीनों वेरिएंट अभी मेरे पास में मौजूद हैं जो इनके स्ट्रोक क्रीम के इन्होंने लॉन्च किए थे। दो को तो मैं पहले ही आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ये गोल्ड सफायर जो है ये वाला मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, सो मुझे यूज़ करके देखना था, तो जल्द ही इसका भी डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख पाओगे। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड ये है NYB की लिक्विड हाईलाइटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है हाईलाइटिंग पर्पज से, लिक्विड हाईलाइटर है। स्टे कर के मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ। ये कैसा रहता है इसको जानेंगे इन फ्यूचर मेरे चैनल पर। अब लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से मंगाया था इसको भी देख लेते हैं फटाफट से कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो मैंने मंगाई है। दिस इज़ अ प्रोडक्ट जस्ट हर्ब का मैटिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है विद SPF 15 विद राइस स्टार्च एंड लैक्टोरिस रूट। तो काफ़ी अच्छा सा यूनिक सा कॉम्बिनेशन ये लग रहा था मुझे, एंड जस्ट हर्ब्स का मैंने ट्राई आउट भी नहीं किया है कभी कॉम्पैक्ट पाउडर, तो बिल्कुल से मैंने इसे ट्राई आउट करने के लिए ही मंगाया है। एंड शेड नंबर है HEC 1। 9 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वान्टिटी रिसीव हो जाती है एट दी ओके शेड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, शेड नंबर 1, यस 1 तो वहाँ भी था। एंड MRP है इसकी 645 रुपीज़। सो यस फ्रेंड्स, ये 6 शेड्स में अवेलेबल है। मैंने शेड नंबर 1 मंगाया है। अब देखते हैं कि ये कितना मेरे स्किन टोन से मैच करता है या कितना वर्क करता है, कैसी इसकी पैकेजिंग है, कैसा ये रहता है, बिल्कुल से सारी डिटेल्स आपको जानने के लिए मिलेंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए, अगर सारे प्रोडक्ट की डिटेल रिव्यू जानना है, मेरा एक्सपीरियंस जानना है, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी मंगाए हैं, और ये सब मैंने खुद से मंगाए हैं, खुद से ही मुझे यूज़ करना था, ये कोई भी PR पैकेज नहीं है, ये मैंने अपने पैसे खर्च करके ही मंगाए हैं। जल्दी ही आपको इन सब की डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी मेरे किसी मेकअप ट्यूटोरियल में या फिर किसी इजी से लुक में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। ऑल्सो अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो इस वीडियो को भी जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अनबॉक्सिंग देखना अगर किसी को पसंद है तो डेफिनेटली उसके साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा। रही बात की इन प्रोडक्ट की डिटेल्स कब आने वाली हैं, तो जल्दी ही मेरे चैनल पर आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। Goodbye.